भारतीय संस्कृति इन दिनों विदेशियों को आकर्षित करने में लगी हुई है और वो इसे अपना भी रहे हैं। हाट पिपलिया के ग्राम पलखा में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां पर फ्रांस के एक कपल ने अपनी एनिवर्सरी पर भारतीय रीति रिवाज से शादी रचाई। देवास के पालखा गांव के निवासी हेम सिंह राजपूत के यहाँ भारत भ्रमण करते हुए फ्रांस से एक कपल आया था। यहाँ पर दोनों ने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर अपनी शादी की एनिवर्सरी पर हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी रचाने का फैसला किया, जिसके बाद फ्रांस से आए लुईक व कारोल की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराई गई। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन की तरह कपल को राजपूताना कल्चर के अनुसार तैयार किया गया। इस शादी को देखने के लिए ग्रामीणों में भी काफी उत्साह नजर आया। We're celebrating the renewal of our 30th anniversary, marriage anniversary. And there is no better place on earth than to celebrate it here with all of you. Thank you for your hospitality, your kindness, and your endless smile. Tourist guide Sohan Singh Rajput ने बताया कि विदेशी कपल ने भारतीय संस्कृति से विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके चलते उनकी शादी की एनिवर्सरी पर भारतीय संस्कृति से दोबारा उनकी शादी कराई। तो ये फर्स्ट बार जब राजस्थान घूमने आए तो मैं ही टूर लीडर था, तो इनको अपना कल्चर बहुत अच्छा लगा। तो जब ये दूसरी बार इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदू कल्चर रीति रिवाज से शादी करनी है। तो मैंने फिर अपने गाँव में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि एक्चुअल कल्चर जो देखना है तो वो गाँव में ही मिलता है, ना कि सिटी में। इसलिए मैंने ये शादी जो है कि 6 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो कि आज 30 साल इनकी शादी के ऑलरेडी हो चुके हैं, जो इन्होंने शादी की थी इनके देश में फ्रांस में इनके कल्चर से। बट टुडे 30 एनिवर्सरी है, 30 साल हो गए हैं शादी को, तो ये हिंदू रीति रिवाज से करना चाहिए। तो अब बढ़िया शादी संपन्न हुई और इससे ये काफ़ी खुश है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।